वायरस एक ऐसी वैश्विक महामारी जिससे पूरी दुनिया सिहर के बैठी है। जगह जगह कर्फ्यू जैसा माहौल है, लॉकडाउन हो चुका है, लोग अपने घरों में बैठे हैं और आप सभी जानते हैं कि ये टाइम ऐसा टाइम आ चुका है जहां पर जो हमारी गरीबी से नीचे रहने वाले लोग हैं या जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं वो एक टाइम की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। भूखमरी की कगार पे खड़ा हो चुका है हमारा भारत। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा। जी हाँ, यह गुरुद्वारा लुधियाना के सानेवाल इलाके के रेडू साहिब गुरुद्वारा है जिसका इतिहास किसी से नहीं छुपा। सभी जानते हैं इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के बारे में। तो अब हम यहाँ इस गुरुद्वारे में पहुँचे हैं जहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग 5 से 6 ट्रक आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ से लगभग रोजाना के करीब 40 से 50 हजार लोगों का लंगर डेली बन के जाता है, घर घर में लोगों को पहुंचाया जाता है। और यहाँ पे हजूर साहिब के जो हमारे सेवादार हैं बाबा मेजर सिंह जी कार सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, और अब हम आपको उनसे मिलवाएंगे और जानेंगे कि इतने लोगों का लंगर तैयार करने में उन्हें कितनी परेशानी आती है और या फिर कितने लोग उनके साथ इस नेकी के काम में जुड़े हुए हैं और कितने लोग उनके साथ इस नेकी के काम में उनका साथ दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कदम, बहुत बड़ा उपराला उठाया गया है इस गुरुद्वारा साहिब की तरफ से। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बाबा मेजर सिंह जी से। इस बताइए, इतने लोगों का लंगर जो आप यहाँ पे लोगों में बांटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सामान को लेके कोई परेशानी नहीं आ रही? नहीं, कोई परेशानी नहीं, सभी समूह स्वास्थ्य संघ की तरफ से सहयोग मिल रहा है, उसी से चल रहा है। आपको लगता है ये जो महामारी फैली हुई है वैश्विक तौर पे, कई लोग सैकड़ों में लोग मर रहे हैं, तो इसका एक आपने बहुत बड़ा अच्छा उपराला जो यहाँ से उठाया गया है कि घर घर में राशन पहुँचाया जा रहा है, खाने का सामान पहुँचाया जा रहा है, तो कब तक हम कह सकते हैं कि ये सेवा आपकी तरफ से जारी रहेगी? ये तो परमेश्वर के बस है, हम तो यही अरदास करते हैं भी ऐसा मैसेज आ जाए, जो सुबह ही ऐसा मैसेज मिले कि परमेश्वर कृपा कर दे तो ऐसा हो जाए भी सभी जो रोगी हैं कोरोना वायरस की तरह से भी सभी ठीक हो गए। हम नहीं चाहते ये लंबा चल जाए जहाँ हम लंबा टाइम सेवा करके, हम तो ऐसे ही चाहते हैं अभी सभी को सुख शांति मिले। तो बहुत अच्छा मैसेज है आपकी तरफ से। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा भी बाबा मेजर सिंह कार सेवा हजूर साहब वाले जी रहनमई थले लंगर चल रहा मारा निरंतर चल रहा, 30-40 हज़ार बंदे का रोज़ की डेली इतों जो लंगर चल के अगे पिंड कमिश्नर साहब भी आके गए ने, डीसी साहब भी बड़ा एप्रीशिएट कर रहे हैं, सारा लुधियाने का प्रशासन ही एप्रीशिएट कर रहा। ये लंगर बहुत ही एक मिसाल लुधियाने के अलहदा लंगर है जिहड़ा कि 30-40 घट्टो घट सारे लुधियाने के इतों प्रशासन के सहयोग के नाल जा रहा। ये सारी जिहड़ी कार सेवा बाबा मेजर सिंह जी हजूर साहब वाले लै रहे हैं, असीं इन्हां दे इत्थे दी जिहड़ी लोकल संगत भी है बड़ी इन्हां दे नाल सहयोग दे रही है, क्योंकि संगत दे सहयोग दे नाल ही ये लंगर चलते ने, इदां तां पॉसीबल नहीं, इस करके संगत दा सहयोग चल रहा ते बहुत वधिया जिहड़ा बाबा जी ये कर रहे ने। बताइए कहाँ कहाँ पे किस किस विलेज में जाके ये लंगर आप घर घर में पहुँचा रहे? ये प्रशासन के वालों रोज़ दी रोज़ बाबा जी के नाल इन्हां दे जिहड़े ये टच च ने वो दस रहे हैं, जिवें जसपाल वांगर हो गया, लुधियाना हो गया, कंगनवाल हो गया, जिथे प्रवासी ज़्यादा रहिंदे ने, ते हैबोवाल इधर मुंडियां टंडारियां जिन्हें भी एरिया सारा हैगा जिथे ज़्यादा प्रवासी ने लंगर जिथे नहीं राशन पहुँच रहे उत्थे बाबा जी दी गड्डियां ने 15 गड्डियां लगियां हुई ने, 2-2, 3-3 चक्कर लगा रही ने, ये सारा इत्थे हो रहा। एक निरंतर जिहड़ी हैगी कार सेवा चल रही है बाबा जी दे सहयोग नाल चल रही है। बाबा जी एक चीज़ हमें बताइए, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि हम तक वो उनका उनकी तरफ से कोई वो देखने तक नहीं आए, कोई सेवा नहीं पहुँच रही, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, पिछले 2-3 दिन पहले कलेक्टर साहब ते कमिश्नर साहब इधर आके गए थे, उनके सभी ध्यान में है, वो हमारे कनेक्ट में रहते हैं, जिधर भी ज़रूरत होती है हमारे को मैसेज देते हैं, उधर ज़रूरत है इतने बंदे का खाने भेजना, उधर चला जाता है, ऐसी कोई परेशान नहीं। आप अपनी तरफ से कोई ऐसे मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, जहाँ से लोग आपकी तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, सेवा की जा रही है लोगों की, पर सरकार से कहीं ना कहीं लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसा तो हम तो नहीं कह सकते कि हमारे पास तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, तो वो वक्री बात है, कोई राजनीति बरत रहा हो ऐसा कोई मैसेज।
जी हाँ, तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ सेवादार बाबा मेजर सिंह जी, जिनकी तरफ से कार सेवा दी जा रही है। लाखों लोगों को लंगर पहुंचाया जा रहा है। जो लोग भुखमरी का शिकार हो चुके हैं इस टाइम वैश्विक महामारी के कारण, तो घर घर उन तक जो लंगर पहुंचाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा उपराला है। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसी सेवा देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे अपने घरों से निकल कर आए, उनमें भी ये एक मोटिवेशनल मैसेज पहुंचे कि जो लोग इस टाइम बहुत बड़ी मार झेल रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचे कि वो भी आगे बढ़कर उन लोगों की सहायता करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा भसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।